कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों। वैसे तो आप सभी ने किंग वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने विलेज की रक्षा करता है और अपने लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मैं भी आज वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में एक ऐसा किंग बनाऊं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। और ये है मेरा एक कासल जिसके साइड में एक प्यारा सा विलेज है। और मेरे को पता चलता है कि हमारे बेस के पास में दुश्मनों ने अपना बेस बना लिया है। तो मैं फटाक से आर्मर्स पहनकर और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता हूं। और ये रहे हमारे दुश्मन, देखो तो जरा कितने आराम से बैठे हुए हैं। वेल, एकदम रेडी हूं मैं अटैक के लिए। इनके ऊपर सीधा निशाना साध कर एक सेकंड में मैंने इनका खेल खल्लास कर दिया। यार यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। किंग को मार कर अच्छा नहीं करा तूने, यू विल बी डाई सून। यार ये मेरे को साफ साफ धमकी देकर गया है। तो मेरे को कुछ अपने ऐसे डिफेंस हैक्स बनाने होंगे जिससे कि मैं अपने आप को और इन विलेजर्स को बचा सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने सारे विलेजर्स को कासल के अंदर कर दिया ताकि ये सेफ रह सकें। और जो किंग होता है वो अपने गार्ड्स की मदद लेता है अपने कासल की प्रोटेक्शन के लिए, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। तो मैंने अपने विलेजर्स को गार्ड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये मेरे कासल के साथ साथ अपनी खुद की भी प्रोटेक्शन करने वाले हैं। तो मैं अपने कासल की एंट्रेंस पर दो गार्ड्स लगाने वाला हूँ और जो बाकी के गार्ड्स आएंगे वो कासल की वॉल के ऊपर लगाऊंगा ताकि ये ऊपर से सबकी बैंड बजा दें। गार्ड्स तो अपना काम कर ही देंगे, बट मेरे ख्याल से मेरे को कासल के सामने थोड़ी वॉल्स भी लगानी पड़ेगी ताकि ज्यादा भीड़ मेरी कासल में ना घुस पाए। और अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे जमीन में से पत्थर निकालकर सामने किसी पर भी अटैक कर देना और मुक्कों से ऐसा अटैक करना कि सामने वाले की हालत खराब हो जाए। और मेरे को कुछ मैजिक ट्रिक्स भी आती हैं जो आपको वीडियो में आगे पता चलती रहेंगी। वेल, ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक मस्त सा लावा ट्रैप बनाने वाला हूँ। तो एंट्रेंस के सामने सबसे पहले मेरे को मस्त गड्ढे करने होंगे। बस अभी तुम बस देखते जाओ कि मौत का कुआं कैसे रेडी होने वाला है। और अगर हमने ट्रैप डोर के साइड में रेडस्टोन का जाल बिछा दिया ना, तब तो और मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रैप डोर के साइड में धीरे धीरे करके सारे रेडस्टोन लगा दिए हैं। और अब उस रेडस्टोन के कनेक्शन को मैं लेवर से कनेक्ट कर देता हूँ। बस अब मेरे को लेवर को एक बार ही क्लिक करना है और यहाँ पर सारे ट्रैप डोर एक साथ खुलेंगे और जो उसके ऊपर खड़ा होगा उसका तो पत्ता कटना पक्का है। और बेस की प्रोटेक्शन के लिए कोई कोई तो जमीन में माइंस लगा देता है, तो इसकी जगह मैं यूज करने वाला हूँ हमारी TNT की। जो ये हमारा पहाड़ है ना, यहाँ पर मैं बहुत सारे TNT लगाने वाला हूँ एक एक करके। और जब ये काम हो जाएगा उनके ऊपर मैं प्रेशर प्लेट भी लगा दूंगा। अब किसी ने भी अगर इसके ऊपर पैर रख दिया तो वो धमाके से बहुत बुरा मरेगा। और पुराने टाइम में राजा और महाराजा तोप का बड़ा यूज करते थे, और मेरे पास भी एक खतरनाक सी तोप है। ये इतना ज्यादा डैमेज करती है कि सामने वाले की चटनी बन जाएगी, फिर तुम उसको रोटी के साथ खा सकते हो। और तोप को लगाने का सबसे बढ़िया एंगल ये होगा, कासल के टॉप के बिल्कुल बीच में। सामने से कोई भी आएगा तो सही निशाना लगने वाला है। और सुनो सुनो, एंट्रेंस को और खतरनाक बनाने के लिए मैं यहाँ पर फेंसेस का कुछ मस्त सा जुगाड़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले एंट्रेंस के सामने पिस्टन्स को लगा देते हैं, और जब पिस्टन्स हमारे रेडी हो जाएंगे उनके ऊपर मैं फेंसेस भी लगा दूंगा। बस अब क्या, इन पिस्टन्स को मेरे को रेडस्टोन से कनेक्ट करना है, और जैसे मैं लेवर ऑन करूंगा ये फेंसेस ऊपर हो जाएंगी। अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। वैसे ये मेरा कासल देखने से प्रोटेक्टेड तो लग रहा है, बट मेरे को इसको और खतरनाक बनाना होगा क्योंकि बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है यहाँ। वैसे एक बात तो हम सभी को पता है कि हनी ब्लॉक के ऊपर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भले ही वो हम हो या हमारे एनिमल्स हो। और मैग्मा ब्लॉक को कैसे भूल सकते हो, उसके ऊपर चलना क्या भाई बहुत दर्दनाक होगा। तो क्यों ना मैं इस कासल के सामने इस पूरे पहाड़ पर मैग्मा ब्लॉक्स और हनी ब्लॉक्स भर दूं। सुनने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, तो चलो अब इसको फटाक से कर भी देते हैं। तो मैं पहाड़ के एक साइड से पहले हनी ब्लॉक्स लगाऊंगा और उसके साइड में मैग्मा ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ। वैसे यार इस पूरे पहाड़ के ऊपर मैग्मा ब्लॉक और हनी ब्लॉक लगाने में मेरी हालत पतली होने वाली है। 2 hours later. लो, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने हनी ब्लॉक्स और मैग्मा ब्लॉक से पूरे पहाड़ को भर दिया। और जरा अब देखो भाई, दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। और मेरा इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, तो दूसरे जो अटैक करने आएंगे उनकी तो टाइटा फिस होने वाली है। और मैं डिफेंस बना ही रहा था, ये इतनी देर में पलटन लेकर आ गया। जरा देखो तो ये कितने सारे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैंने अपनी बीम की मदद से उन सामने वालों को बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, और साथ के साथ उनको मैग्मा ब्लॉक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, और हनी ब्लॉक भी उनको रोकने में काफी सही काम कर रहे हैं। मैं तो इनके ऊपर बिना रुके अपनी बीम से अटैक कर रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। बट इतनी ही देर में मेरी TNT ने अपना काम दिखा दिया भाई, नीचे मस्त तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं। बट मेरे को डर इस बात का है कि ये मेरे बेस के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। इनको जैसे तैसे कर संभाल ही लिया मैंने, और वो बंदा जो मेरे को धमकी देकर गया था ना, ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और बिना कुछ बोले मेरे सामने से भाग गया। जरा देखो तो
कैसे भागते हुए जा रहा है। हर एक टाइम पर मेरे को धमकी दे रहा था। वेल, मैं जानता हूँ कि ये ऐसे तो मानने वाला है नहीं, ये और खतरनाक अपनी टीम बुलाने वाला है, तो मेरे को और तगड़े डिफेंस बनाने होंगे अपने। हमारे डिस्पेंसर्स और एरो का बहुत पुराना रिश्ता है। जंगल टेम्पल में जाते ही हमको काफी तगड़ा डैमेज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हम एरोज की बात नहीं करने वाले। कैसा होगा जब हम डिस्पेंसर के अंदर लावा बकेट रख दें? क्योंकि पिछले अटैक में एनिमीज मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, इस बारी मैं उनको क्लोज आने नहीं देने वाला। तो बाउंड्रीज पर मैं एक एक करके डिस्पेंसर लगाने वाला हूँ और सारी बाउंड्री को डिस्पेंसर से कवर कर दूंगा। और डिस्पेंसर लगने के बाद मैं एक एक करके लावा बकेट को डालने वाला हूँ, और ये हो जाने के बाद हमारे रेडस्टोन भैया का काम आएगा। तो यहाँ पर सभी डिस्पेंसर्स को रेडस्टोन से कनेक्ट कर देते हैं। बस अब एक बारी मैं लीवर को ऑन करूंगा तो सारा लावा बाहर आ जाएगा और सामने वाले की बैंड बच जाएगी। वेल, अभी देखने से हमारा बेस काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड लग रहा है, बट यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत कमी तो जरूर है ही। तो यहाँ पर इस कमी को पूरी करने के लिए मैं ड्रैगन की आइस स्पाइक्स लगाने वाला हूँ। सही सुना तुमने भाई, अगर इसके ऊपर कोई खड़ा हो गया ना तो उसको अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। वैसे मेरे डिफेंस तो अच्छे से काम करने ही वाले हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ मैजिक ट्रिक्स हैं, जैसे आसमान से तलवारों की बारिश करना। और ये मामूली तलवारें नहीं है, सामने वाले की भाई ऐसी तैसी कर देती है। और एक पावर तो मेरे पास ऐसी है जिसकी मदद से मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, साथ के साथ मैंने अगर सामने वाले को पंच कराना तो कुछ ऐसा हाल होगा। और जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर यूज करता है, ऐसी मेरे पास भी एक पावर है जिसकी मदद से मैं एक बड़ी सी शील्ड बना सकता हूँ। उस शील्ड के आर पर मैं तो जा सकता हूँ, बट बाकी लोग नहीं आ पाएंगे। तो इस शील्ड से मैं अपने पूरे कासल को कवर करने वाला हूँ। भाई डिफेंस अगर फेल भी हो गए तो इस शील्ड के आर पर कोई नहीं आ पाएगा। और मैं ये सब तैयारियां कर ही रहा था तभी उनकी पलटन वापिस से आ जाती है। ऊपर से जो मैंने शील्ड लगाई थी यार, वो भी गायब हो चुकी है। लेकिन एक सेकंड, इनकी पलटन इतनी कम क्यों लग रही है? इनको मैं बड़ा इजीली हरा दूंगा। तो वापस से बीम की मदद से मैंने इनको डैमेज देने की कोशिश तो करी, बट यार ये बड़ा बच बच के आ रहे हैं। लेकिन तभी मैंने डिस्पेंसर के अंदर से सारा लावा निकाल दिया और ये बच्चों की एक दो सेकंड में ही मौत हो गई। ये लड़ेंगे क्या मेरे से? लेकिन यार अभी मेरे ख्याल से फाइट खत्म नहीं हुई है। जरा ये देखो भाई, ये वही ड्रैगन है जो मेरे कासल के ऊपर उड़ रहा था। और आई थिंक रियल फाइट अब शुरू होने वाली है। एक अच्छे एंगल के लिए मैं कासल की छत पे पहुंच जाता हूं और मैं वही स्टिक यूज करने वाला हूं जिससे मैंने पूरा बेस एक सेकंड में उड़ा दिया था। और इस खतरनाक सी बीम की मदद से मैं इसको काफी डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा हूं, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसको डैमेज देते देते इसने कुछ ऐसा करा भाई, आधा कासल का छत तोड़ दिया इसने। ऊपर से ये न्यू विलेजर्स इस छत पे आ चुके हैं। भाई मेरे को इनको प्रोटेक्ट करना है और ये सीधा छत पे घूम रहे हैं मजे से, तो मेरे लिए टेंशन और बढ़ चुकी थी। लेकिन भाई इसको डैमेज देते देते एकदम से ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मेरे को तो लग रहा था कि ये बेहोश होकर वापस से उठने वाला है, लेकिन ये वापस उठ ही नहीं पाया। और जरा तुम इस जगह का हाल देखो भाई, लावा की नदी बह रही है, हर जगह मैग्मा ब्लॉक्स है और नीचे एक ड्रैगन मरा पड़ा है। बट कुछ भी हो, मेरे को दो विलेजर्स को बचाना था और मैंने सारे विलेजर्स को बचा लिया है। एक किंग होने के नाते किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वीडियो पसंद आई तो फटाक से भाई लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।